हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विद रविलोजी में। दोस्तों, क्लास एट का जो सिलेबस है जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आने वाला है, सभी विषयों का मैं एक साथ एक ही वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो आप ध्यान से कॉपी पेन लेकर बैठ जाए और उसको जल्दी से नोट कर लें। सबसे पहले मैं बात करूँगा इंग्लिश की। तो इंग्लिश के अंदर जो चैप्टर दे रखे आपके सामने, चैप्टर 4 और 5 दोनों आ रहे हैं। पोइट्री में आप देख लें, आपके सामने लिखा है कि विलबुल राइट एंड और विल्स राइट, ये वाली स्टोरी आप पोइट्री आ रही है। और हनी ड्रो में, इसमें जो नेक्स्ट आपकी है उसमें आ रहा है, चैप्टर 6 आ रहा है और पोइट्री आ रही है द स्कूल बॉय। ग्रामर में आपको रिपोर्टेड स्पीच आएगी और राइटिंग स्किल के अंदर आपको सेमी फॉर्मल लेटर में आपको लिखना है, लेटर लिखना है, ठीक है, वो आने वाला है। तो इस प्रकार आप नॉर्मल राइट कर लेंगे। अब मैं बात करूँगा मैथ्स की। तो मैथ्स के अंदर आ रही है रेशनल नंबर और एक्सपोनेंट एंड पावर्स, घातांक वाला है ना चैप्टर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है ना, और क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, और अंडरस्टैंडिंग, और एक आ रहा है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। अब ये कुछ आपके सामने चैप्टर लिखे हैं, आप इसको हिंदी से मिलान कर लेंगे और इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट है सोशल साइंस, यानी कि सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान के अंदर मैं आपको इसमें बता दूँ कि हिस्ट्री के अंदर क्या क्या आ रहा है। हिस्ट्री के अंदर हाउ, व्हेन एंड वेयर, ठीक है, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, और रूलिंग द कंट्री साइड्स व्हेन पीपल रेबल। ये चैप्टर आप हिंदी से मैच कर लेंगे ना, हिंदी वाला चैप्टर से मैच कर लेंगे। जियोग्राफी के अंदर आपका आ रहा है रिसोर्स आ रहा है, फिर लैंड, सोइल, वाटर, नेचुरल वेजिनेशन और वाइल्ड लाइफ, इस प्रकार के चैप्टर है। सिविक में द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, यानी कि आपकी जो राजनीति है ना उसके लिए कह रहा हूँ। और अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म, वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी अपने, और जुडिशरी यानी कि न्यायालय। यूनिट टेस्ट में हिस्ट्री में आ रहा है, हिस्ट्री आ रही है, ज्योग्राफी और सिविक यानी कि राजनीति, इस प्रकार से आप इसमें से देख लेंगे और इसको डू नोट कर लेंगे अच्छे से। साइंस में आपका कुछ 9 चैप्टर है जिसमें क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फॉय, और सिंथेटिक्स, फाइबर एंड प्लास्टिक्स, मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स, और कोयल एंड पेट्रोलियम्स, कंबस्टन्स एंड फ्लेम्स, कन्वर्जेशन ऑफ प्लैनेट एंड एनिमल्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, और रिप्रोडक्शन इन एनिमल। हिंदी में आ रहा है आपका साहित्य वसंत में आ रहा है सुदामा चरित्र, भगवान की डाकिए, बस की यात्रा और जहाँ का पहिया, और ज्ञान सागर का आ रहा है भूषण का स्वामी स्वाभिमान। व्याकरण की बात करें तो क्रिया व भेद, लिंग वचन, उपसर्ग, वाक्य शुद्धि, दो दो पर्यायवाची और विलोम शब्द, और दो दो अनेकात शब्द, और अनेक के शब्द एक, जैसे एक अनेक शब्दों से एक शब्द बनाना, और श्रुति सम भिन्नार्थक, और मुहावरे, अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन और पठन कौशल, अपठित गद्यांश आएगा। और संस्कृत में आएगा आपका साहित्य का चंद्रगुप्त न्याय, सुवचनानी, श्रृंगाल कथा, और ईश्वर यत करोति शोभनम करोति। और व्याकरण में अपठित गद्यांश आएगा, वार्तालाप आएगी, पत्र लेखन आएगा, शब्द रूप आएगा, धातु रूप आएगा, धातु रूप इसमें जो लिख रही वो चीज़ें आएगी, और लिंगानुसार संख्या आएगी। तो इस प्रकार से आपको डू नोट करना है। आगे आपकी कंप्यूटर वाला है ही नहीं, तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें नोट कर लेनी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करें ताकि मैं इन चीज़ों को हिंदी में भी समझा सकूँ वापस आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।